हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लासो रिग्रेशन पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स देखेंगे इसके पीछे का और स्क्रैच से कोड करेंगे लासो रिग्रेशन को। बट उसके पहले मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था व्हेन आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू। क्वेश्चन ये था कि लासो रिग्रेशन स्पार्सिटी क्यों क्रिएट करता है। सो स्पार्सिटी क्या होता है? स्पार्सिटी होता है कि अगर आप लैम्डा का वैल्यू बहुत बढ़ा देते हो तो बहुत सारे जो फीचर्स हैं, बहुत सारे जो इनपुट कॉलम्स हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशियंट का वैल्यू जीरो हो जाता है लैसो के केस में। ठीक है, ये आपने भी देखा है। सो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में जो कोड्स लिखे थे उसका आउटपुट है। ये रिज रिग्रेशन के लिए है, ये वाला, दिस इज फॉर रिज रिग्रेशन। यहाँ पर आप देखो, आप कितना भी वैल्यू बढ़ा दो, एल्फा या फिर बीटा जो भी बोल लो आप, आपका जो कोफिशियंट्स हैं एज, सेक्स, बीएमआई, बीपी, इन सबसे रिलेटेड, इनका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता। जीरो के बहुत पास पहुंच जाएगा बट कभी भी जीरो नहीं होगा। बट अगर आप बात करो लैसो का, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी कि आप जैसे ही थोड़ा सा भी बढ़ा देते हो वैल्यू आपके एल्फा का, तुरंत आपको देखने लग जाएगा कि आपके कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कुछ कोफिशियंट्स का वैल्यू जीरो हो रहा है और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप और ज्यादा बढ़ाते जाओगे, इवेंचुअली यू वुड सी कि सबका ही वैल्यू जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहता है इंटरव्यूज में, और ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लैसो ऐसा कैसे कर पाता है, लैसो कैसे कोफिशियंट्स को जीरो कर पाता है जिसकी वजह से फीचर सिलेक्शन पॉसिबल हो पाता है, और क्यों रिज रिग्रेशन ये नहीं कर पाता। दिस इज द क्वेश्चन कि क्यों लैसो के केस में स्पार्सिटी आती है। स्पार्सिटी का मतलब कुछ वैल्यूज जीरो हो जाती हैं, और रिज के केस में ऐसा क्यों नहीं होता। हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स समझना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं सिंपल रखने के लिए सिंगल वेरिएबल में बात करूंगा। सिंगल वेरिएबल मतलब आई विल जस्ट कंसिडर कि मेरे पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, और इसके मैथ्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा पॉइंट। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, और जब आप इसको समझ लेते हो फिर इसके बाद मल्टी वेरिएबल में इस बात को समझना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल शो यू कि जब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाते हो, लाइक जब आप कोई भी रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज नहीं करते, उस केस में मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास एक एक्स है और एक वाई है, तो आपको दो कोफिशिएंट्स निकालने हैं। वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको एम एक्स प्लस बी निकालना है, मतलब आपको एम और बी निकालना है। और अगर आपको याद होगा, अगर आपने पुराने वीडियोस ढंग से देखे होंगे, तो वहां पे आपको पता होगा कि जो बी था वो कैलकुलेट होता था इस फॉर्मूले से, y बार माइनस m x बार, वेयर y बार इज द मीन वैल्यू ऑफ y एंड x बार इज द मीन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और फिर m कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n yi माइनस y बार एक्स आई माइनस एक्स बार का डिवाइडेड बाय, और कुछ नहीं होता वहां पे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा, जब हमने ये सेम कैलकुलेशंस रिज रिग्रेशन के लिए किए थे, मैं इनफैक्ट आपको दिखा देता हूं, जब हमने ये सेम कैलकुलेशंस रिज रिग्रेशन के लिए किए थे तो वहां पे ये जो वैल्यू था वो आ रहा था, ये यू कैन सी यहां पर एक लैम्डा आ जा रहा था, राइट सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे लैम्डा आ जा रहा था। इसका मतलब आपका यहाँ पे जो रिज रिग्रेशन है उसके केस में आप जब m निकालते हो तो इट वुड बी दिस, आई वुड जस्ट राइट इट डाउन एक बार ठीक से, सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा। सो ये लैम्डा या फिर अल्फा आप जो भी बोल लो, इस टर्म की वजह से
थोड़ा सा मैथ्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि लैसो रिग्रेशन के केस में क्या होता है, ठीक है, और फिर हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे साथ में। सो लैसो रिग्रेशन के केस में, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं, लैसो रिग्रेशन के केस में भी बी का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, लाइक वाई बार माइनस एम एक्स बार, ये सेम होता है, ठीक है। मैं आपको एम का वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, ओके। सो यहां पर जो लॉस फंक्शन है वो होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से लेके एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉस फंक्शन फॉर लैसो रिग्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं तो मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी, यहां पे बी आएगा बट बी के बदले मैं ये लिख रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा वाई बार प्लस एम एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा मॉड्यूलस एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंस ये मॉड्यूलस है इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एट द एंड आपको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, आपको डीएल बाय डीएम निकाल के उसको इक्वल टू जीरो करना है, बट सिंस ये मॉड एम है तो आप मॉड्यूलस का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको केसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा पहला केस होगा जब एम इज ग्रेटर देन जीरो, सोच के देखो, जब एम इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉड ऑफ एम क्या होता है, मॉड ऑफ एम होता है सिंपली एम, ठीक है। एक और चीज मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए मैं यहां पे 2 लगा दे रहा हूं, ठीक है, कोई फायर मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा इससे, बस हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो हम इस पूरे को फिर से लिख सकते हैं, इस लॉस फंक्शन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का स्क्वायर 2 लैम्डा एम, क्योंकि फॉर एम ग्रेटर देन जीरो आपका एम का वैल्यू, मॉड एम का वैल्यू विल बी एम, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं डी बाई डी एम, सो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स वाई आई माइनस, और एक और चीज जस्ट वन सेकेंड, ये आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ, मैं बार बार आई इक्वल टू 1 से एन नहीं लिख रहा, यहां पे आ जाएगा वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का पावर 1 हो जाएगा। और अब मैं इन सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एम, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसके बदले आ जाएगा माइनस एक्स आई और इसके बदले आ जाएगा प्लस एक्स बार, ठीक है। प्लस इसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे मिलेगा 2 लैम्डा इक्वल टू 0, आई गेस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ठीक करते हैं, सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अंदर में रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, सो रीअरेंजमेंट करने से क्या होगा, माइनस 2 बाहर आ गया, सिग्मा ऑफ इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने तो यहां पर आ गया वाई आई माइनस ये वाई बार, ठीक है, और यहां से मैंने माइनस 1 कॉमन निकाला, वही माइनस 1 बाहर आ गया, तो यहां पे आ गया माइनस एक्स आई, इनफैक्ट इट शुड बी एम टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्चुअली मैंने यहां से कॉमन नहीं निकाला, मैंने यहां से कॉमन निकाला एक्स आई माइनस एक्स बार से, ठीक है, एक बार देख लेना, बहुत सिंपल मैथ से ये, और प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया सभी जगह पे, तो यहां पे आ गया माइनस वाई आई माइनस वाई बार, ये अंडर मल्टीप्लाई हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एम एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ये सारे समेशन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एम टाइम्स सिग्मा
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस टू लैमडा, टू लैमडा नहीं रहेगा, हमने टू से डिवाइड कर दिया था तो ये इसी जगह पे जीरो हो जाएगा, यहां भी नहीं रहेगा, इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं और ये टर्म को मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूं, तो m टाइम्स सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार और ये माइनस लैमडा आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लैमडा, और फिर मैं m को लिख सकता हूं एज सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस लैमडा डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्मूला जब आपका m इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सो मैं यहां पे एक बार लिखता हूं नीचे जाकर के खुले स्पेस में। सी मैं आपको सारों का फॉर्मूला लिख के बताता हूं। सो लैसो के केस में तीन केसेस बनेंगे, मैं तीनों का फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं। सो फॉर m ग्रेटर देन जीरो, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, m का वैल्यू विल बी सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस लैमडा डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फॉर m इक्वल टू जीरो, अगर आप सोचो, बहुत सिंपल है ये केस, कि अगर आपका लॉस फंक्शन में जब आपने स्टार्ट किया था, दिस वॉज द लॉस फंक्शन, यहाँ पे पहले से ही सोचो अगर m का वैल्यू जीरो होता तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन बन जाता, तो आपका जो फॉर्मूला होता वो सिंपली क्या होता, वो होता m इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार का नथिंग सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो लीनियर रिग्रेशन के केस में होता है। अब थोड़ा सा अगर आप सोचो कि अगर m लेस देन जीरो होता, मतलब नेगेटिव होता, तो क्या चेंज आता, आई गेस आप समझ पा रहे हो। अगर m लेस देन जीरो होता तो m का वैल्यू हो जाता माइनस m, मतलब सॉरी मॉड m का वैल्यू हो जाता माइनस m, तो यहाँ पे जो प्लस साइन था ये माइनस हो जाएगा और बाकी आई गेस आप बैक ट्रैक कर सकते हो, एक बस माइनर चेंज आएगा कि ये जो लैमडा के साथ माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सो इस केस में m इक्वल टू सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस लैमडा डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये होता है गाइस लासो के केस में आपका कोफिशियंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और अब इस फॉर्मूला के अंदर ही वो आंसर छुपा है कि क्यों स्पार्सिटी आता है, स्पार्सिटी मतलब क्यों आपके कोफिशियंट्स का वैल्यू जीरो हो जाता है लैसो के केस में, वेयर एज आपका रिच के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सो गाइस पहले हम लोग ये वाला केस लेते हैं जहां पर m का वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो और हम इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर m इज ग्रेटर देन जीरो और आपको पता है कि लैमडा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये जो न्यूमरेटर में ये वाला टर्म है ये भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, नहीं तो फिर m कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब एक चीज यहां पे क्लियरली हमें समझ में आ रही है और वो ये है कि अगर मुझे, अगर मैं लैमडा का वैल्यू बढ़ाते जाऊं, लैम्डा का वैल्यू अगर मैं बढ़ाते जाऊं, इनफैक्ट एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि हम इस पूरे फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इस पूरे बड़े से टर्म को मैं वाई एक्स बोल रहा हूं माइनस लैम्डा और इस वाले टर्म को मैं एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं, मान लो, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वाई एक्स है इसका वैल्यू है 100 क्योंकि ये पॉजिटिव ही होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 50, मान लेते हैं, ऑब्वियसली ये वैल्यू सही नहीं है बट जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब m का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100 माइनस लैमडा डिवाइडेड बाय 50, राइट। अब
अगर मैं लैम्डा का वैल्यू जीरो लूं तो एम का वैल्यू आएगा टू, राइट। अब अगर मैं लैम्डा का वैल्यू मान लो 10 लेता हूं तो m का वैल्यू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 9/5 लेस देन 2। देखो 2 से घट रहा है, सो यू कैन सी जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते जाओगे आपका m घट रहा है, ठीक है। अब आपने और बढ़ा दिया, मान लो आपने लैम्डा का वैल्यू ले लिया 50, इस केस में आपका m का वैल्यू हो जाएगा 1। सो पहले आपके पास जो लैम्डा का वैल्यू था वो 2 था, फिर 9/5 हुआ और अब 1 हो गया। अब सोच के देखो अगर मैं लैम्डा का वैल्यू कर दूं 100, उस केस में m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 0, श्रिंक करके 0 पे चला गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इफ मैं लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 100 कर दूं, मान लो 150 कर दूं, अब इस केस में क्या होगा, आपका m का वैल्यू हो जाएगा -1। सो आपने स्टार्ट कहां से किया, 2 से, उसके बाद 9/5 पे आए, उसके बाद आप 1 पे आए, उसके बाद आप 0 पे आए और अब आप -1 पे जा रहे हो। तो यू कैन सी आपका m का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। बट आपने तो नोटिस किया होगा कि जब आप लासो रिग्रेशन लगाते हो तो रुक जाती है वैल्यू 0 के बाद और नेगेटिव नहीं होती है। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, इस वाले का 516 से स्टार्ट हुआ और 0 पे आ गया, बट 0 से और डिक्रीज नहीं हो रहा। तो 0 क्यों पहुंच रहा है वो तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम लैम्डा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे लैम्डा का वैल्यू इस टर्म के बराबर हो जा रहा है, इस टर्म के बराबर, और इसलिए आपका m का वैल्यू या कोफिशिएंट का वैल्यू 0 हो जा रहा है। बट 0 से नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर समझने का ट्राई करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोच के देखो, जैसे ही आपने लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 100 किया, मतलब इसके वैल्यू से ज्यादा किया, अब आपका m इज नेगेटिव। बट अगर आपका m इज नेगेटिव तो आप ये तो फॉर्मूला ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला ही कब एप्लीकेबल है, जब आपका m इज ग्रेटर देन 0। अगर m इज लेस देन 0 तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको लैम्डा ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे आप लैम्डा इज ग्रेटर देन 100 यूज कर रहे हो, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस, yx प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यानी कि अगर yx का वैल्यू इज 100 तो यहां पे प्लस लैम्डा हो जाएगा और यहां पे 50 है। तो आपने जैसे ही लैम्डा इज ग्रेटर देन 100 लिया, मान लो आपने 150 लिया, ठीक है, तो जैसे आप 150 लोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 50, मतलब कि m का वैल्यू हो जाएगा 5। आपने स्टार्ट कहां से किया था, 2 से, बट 0 के बाद आप जैसे ही और बढ़ा रहे हो लैम्डा, तो आपका वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला 5 पे पहुंचा दे रहा है, मतलब पहले से भी खराब सिचुएशन। तो आपका एल्गोरिदम क्या करता है, 0 पे रोक देता है, बोलता है मैं इससे नहीं घटा सकता, इसलिए मैं इसको 0 पे स्टॉप कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहां पे हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए, पहला पॉइंट कि 0 तक क्यों पहुंचा, क्योंकि न्यूमरेटर में लैम्डा का टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कभी तो ऐसा वैल्यू आप रीच करोगे जो इस पूरे टर्म के बराबर होगा और उसकी वजह से आप 0 तक पहुंच गए। बट 0 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप जैसे ही ये वैल्यू को इस वैल्यू से ज्यादा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा m, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला यूज करते ही m का वैल्यू वापस से बढ़ने लग जाता है, तो ऑब्वियसली आपको घटाना था तो आप नहीं बढ़ाओगे और आप 0 पे रुक जाते हो। दैट इज व्हाई लासो रिग्रेशन 0 पे रुक जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप नेगेटिव लैम्डा से नेगेटिव स्लोप की अगर आप बात करो तो नेगेटिव स्लोप के केस में क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। सो मैं नीचे लेके जा रहा हूं पूरे डिस्कशन को। सो यहां पर मैं एक बार रीराइट कर रहा हूं हमारे इक्वेशन को। फॉर m लेस देन 0 हमारा m का वैल्यू हो जाता है सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस लैम्डा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, और यहां पर आ जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब सोच के देखो गाइस, m को नेगेटिव होने के लिए, सिंस हमें पता है कि लैम्डा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, ये टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो m कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर ये भी पॉजिटिव है और लैम्डा भी पॉजिटिव है तो आपका मतलब ये वाला टर्म हमेशा, m जो हमेशा है वो पॉजिटिव रहेगा, इसको नेगेटिव करने के लिए ये टर्म नेगेटिव होगा।
तो चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पूरे टर्म का वैल्यू है माइनस 100 प्लस लैम्डा और इस टर्म का वैल्यू है 50, मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मान लो लैम्डा का वैल्यू जीरो है तो एम का वैल्यू क्या होगा। एम का वैल्यू होगा माइनस 2, ठीक है। अब मैं लैम्डा को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, लैम्डा का वैल्यू मैंने 50 कर दिया तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। सो यू कैन सी माइनस 2 से डिक्रीज होकर के आप माइनस 1 पे आ गए। अब अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 100 कर दूं तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। देखो फिर से आप माइनस से जीरो की तरफ आ गए। अब सोचो अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 150 कर दूं तो क्या होगा, जैसे ही मैं 150 करूंगा लैम्डा मतलब एम का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। 1 के बाद 0 के बाद 1 आ गया। बट जैसे ही एम का वैल्यू 1 हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस 100 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 50। आप प्लस यूज नहीं कर सकते, आपको माइनस यूज करना पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव एम के लिए जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब आप माइनस लैम्डा में आप जैसे ही 150 ऐड करोगे, माइनस 100 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा माइनस 5। आपने स्टार्ट कहां से किया था, माइनस 2 से, और जैसे ही आप लैम्डा का वैल्यू 150 रख रहे हो आपका एम का वैल्यू हो जा रहा है माइनस 5, जो कि और पीछे चला गया। मतलब आप इसको जीरो की तरफ लाना चाहते थे और बढ़ाना चाहते थे, ये और ज्यादा घट गया, तो आप फिर से क्या करोगे, जीरो पे रोक दोगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि दो क्वेश्चंस का आंसर हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्यों जीरो हो रहा है और सेकंड जीरो पे रुक क्यों जा रहा है। ये दो क्वेश्चंस का आंसर हमने कर लिया, आई होप आपको समझ में आ रहा है लैसो स्पार्सिटी क्यों क्रिएट करता है। सेकंड, रिज रिग्रेशन में स्पार्सिटी क्यों नहीं आता। रिज रिग्रेशन में स्पार्सिटी इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको वहां का फॉर्मूला अगर याद होगा, मैंने ऊपर लिख रखा है, फॉर्मूला ये होता है yi माइनस वाई बार xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब सोच के देखो, आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में लैम्डा है, आप लैम्डा को कितना भी बड़ा कर दो अगर ऊपर वाला टर्म जीरो नहीं है तो आप इसको कितना भी बड़ा कर दो, ये जो m का वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। सोच के देखो ना, अगर ये 0.1 भी है न्यूमरेटर और आप लैम्डा का वैल्यू 1 करोड़ भी कर दो तो भी तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि m तभी जीरो हो सकता है जब आपका न्यूमरेटर जीरो हो, बट आपका डिनोमिनेटर में लैम्डा लग के कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज वाई रिज रिग्रेशन में आप बहुत क्लोज पहुंच पाते हो जीरो के, बट कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या परेशानी है कि आपका जो लैम्डा है वो डिनोमिनेटर का टर्म है, वेयर एज आपका जो लैसो रिग्रेशन है उसमें जो लैम्डा है वो न्यूमरेटर का टर्म है, और न्यूमरेटर में होने की वजह से वो जीरो करवा पाता है, रिज में ऐसा नहीं हो पाता। सो अगर आपसे आगे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे कि लैसो की वजह से स्पार्सिटी क्यों होता है, क्यों कोफिशिएंट्स का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो आपको बस एक सिंपल सा आंसर देना है कि क्योंकि जो लैम्डा है वो लैसो के केस में न्यूमरेटर में आता है और वहां से वो उसको जीरो ड्राइव करवा पाता है, वेयर एज रिज के केस में ये जो लैम्डा है ये डिनोमिनेटर में आता है और फिर जीरो होना या ना होना न्यूमरेटर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और जनरली न्यूमरेटर का वैल्यू जीरो नहीं होता। दैट इज वाई आपके कोफिशिएंट्स का वैल्यू पूरी तरीके से जीरो नहीं हो पाता, बहुत छोटा हो जाएगा बट पूरी तरीके से जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ किया, आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया, ट्रस्ट मी, अगर आप 10 इंटरव्यूज में बैठोगे ना मशीन लर्निंग के, उसमें से 8 में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर, दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस द मैथ्स एंड विल कोड लैसो रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।